स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। एक्सक्यूज मी, यस, आज हमारी बच्ची की सुहाना कश्यप नाम है उसका, उसकी बायोप्सी हुई थी तो रिपोर्ट्स आज मिलने वाली थी। डॉक्टर शेट्टी से हम लोग, सॉरी सर, डॉक्टर शेट्टी अभी ओटी में है, एक इमरजेंसी केस है। हाँ तो रिपोर्ट तो आई होगी ना आपके पास? हाँ, लेकिन डॉक्टर शेट्टी आपको रिपोर्ट बता सकेंगे। हेलो सुहाना, रिपोर्ट शाम को 5 बजे मिलेगी। क्यों? टाइम तो 11 बजे का था ना। ईशान, तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। हेलो, जी सर, ऑफिस? सर नहीं, मैं आपको कल ही बोल चुका था ना कि आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। हाँ सर, वो कहा था ना आपसे, मेरी वाइफ की रिपोर्ट आने वाली है आज। नहीं सर, नहीं सर, मैं नहीं आ सकता। सर मेरे लिए ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर आई कांट कम सर, यू कैन फायर मी। क्या हुआ? ऑफिस से फोन था? अरे इमोशंस नहीं है इनमें, ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, दूसरे जिए या मरे इन्हें कोई परवाह नहीं है। ठीक है, हॉस्पिटल धीरे बोल, हो गया ना, तूने बोल दिया ना, अब चल। पापा मैं इनसे ना कल ही कह चुका था कि मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता, 2 घंटा बैठ के मैं आज का काम भी खत्म करके आया था। ऑफिस में सॉफ्टवेयर समझना है इनको, अब सिर्फ मैं ही हूँ क्या ऑफिस में? ठीक है, हो गया, चल निकल। अच्छा एक्सक्यूज मी, यस, आज हमारी बच्ची की सुहाना कश्यप नाम है उसका, उसकी बायोप्सी हुई थी तो रिपोर्ट्स आज मिलने वाली थी। डॉक्टर शेट्टी से हम लोग, सॉरी सर, डॉक्टर शेट्टी अभी ओटी में है, एक इमरजेंसी केस है। हाँ तो रिपोर्ट तो आई होगी ना आपके पास? हाँ, लेकिन डॉक्टर शेट्टी आपको रिपोर्ट बता सकेंगे। अरे ऐसे कैसे आप लोग, आपने 11 बजे का टाइम दिया था और ऊपर से 7 दिन तो आप लोग वैसे ही लगा चुके हैं। देखिए सर, बायोप्सी के लिए सैंपल मुंबई भेजा जाता है, रिपोर्ट वहाँ से आती है, और इस सब में इतना टाइम तो लगता ही है, और वैसे भी अभी अभी एक बहुत ही इमरजेंसी केस आ गया है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इट्स अ मैटर ऑफ समवनस लाइफ एंड डेथ। अरे तो आप क्यों नहीं समझते, यहाँ पे भी तो जिंदगी और मौत का सवाल है ना। एक मिनट शाम, मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर कब मिलेगी हमें रिपोर्ट्स? देखिए, इस ऑपरेशन के लिए कम से कम 4 घंटे का वक्त लगेगा, उसके बाद फौरन डॉक्टर चेंबर में नहीं आ पाएंगे। आप लोग ऐसा कीजिए, आप शाम 5 बजे तक आ जाइए। क्या 5 बजे? अरे 11 बजे का टाइम दिया था आप लोगों ने। एक मिनट ईशान, तू चुप रहेगा? मैं बात कर रहा हूँ ना, तू चुप रहे। 5 बजे अगर हम आए तो डॉक्टर शेट्टी मिलेंगे हमको। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। अच्छा लेकिन पापा, आप एक मिनट, तू इधर क्या है तू? क्यों? एक मिनट। हाँ वाजपेयी साहब, देखिए मैं इधर हॉस्पिटल में ही हूँ, लेकिन अभी तक सुहाना की रिपोर्ट मिली नहीं है। वो हुआ ये है कि डॉक्टर शेट्टी को अचानक किसी सर्जरी के लिए जाना पड़ा, इसलिए सब रुक गया है। अब वो शाम को 5 बजे, नहीं, आप पानी की जरूरत नहीं है, यहाँ जो कुछ भी हो रहा होगा मैं बताता रहूँगा ना आपको। जी, ओके। देख तू एक काम कर, अभी तू चला जा अपने ऑफिस और वो काम भी निपटा ले, तब तक बन जाएंगे 5 और फिर तू यहाँ आ जाना। पापा अभी कैसे मैं इस वक्त? ओहो, अब तू करना क्या चाहता है? डॉक्टर को घसीट के निकालेगा तो ऑपरेशन थिएटर से? शाम को 5 बजे आ जाइए। चल चल चलना यार, रुके कोई फायदा तो है नहीं। चार आया, वो आपका गया, ये लो। ओह नो, नहीं। सुहाना चलो ना, तुम्हारी तुम्हारी चाल है, चलो। हाँ
रजनी दीदी, रिपोर्ट आ गई होगी ना अभी तक? सुहाना, ईशान फोन करेगा ना? हाँ, पर उसने अभी तक फोन नहीं किया। ईशान का फोन। हेलो। सुहाना, रिपोर्ट शाम को 5 बजे मिलेगी। क्यों? टाइम तो 11 बजे का था ना? ईशान, तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। वो क्या ना कि यहाँ पे कोई इमरजेंसी आ गई है, तो इसलिए सुनो, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को 5 बजे रिपोर्ट कलेक्ट करके सीधा घर आ जाऊंगा, ठीक है? मीठी, चुप रहो, जाओ बाहर जाके बुआ के साथ खेलो, चलो जाओ यहाँ से। सुहाना, रिपोर्ट डॉक्टर किसी इमरजेंसी केस में है, शाम को 5 बजे तक आएगी। आपने मेरी पार्टनर को क्यों डांटा? कम ऑन, लेट्स प्ले। हाँ चलो चलो। क्या कर रहा है? क्यों बार बार उन्हें फोन करके परेशान कर रहा है तू? रहने दे, आ जाने दो नहीं यहीं। इलेश, इलेश तू इंदर, इंदर सुन, अरे भाई मुझे ना तुम अस्पताल ले चलो, यहाँ थोड़ा दिल घबरा रहा है मेरा। नाना जी आप वहाँ जाके क्या करेंगे? हाँ वहाँ पर चाचू और ईशान है ना। हाँ। क्या टाइम क्या हुआ? टाइम क्या हुआ है? टाइम तो बार बार टाइम देखने से घड़ी तेज चलने लगेगी क्या? चलो बिस्कुट खा लो, सुबह से कुछ खाया नहीं है तुमने, शुगर लो हो जाएगी ना, फिर दवा भी तो खानी है भैया। मतलब आपने अब तक दवाई नहीं ली? क्यों? अरे दवाई खा, दादी आप बिस्कुट क्यों खिला रही हैं दादाजी को? आप खाना खिलाई ना इन्हें। एक सेकंड, रानी, दिशा कहाँ है ये दोनों? अरे तू उन पे क्यों गुस्सा हो रहा है? वो खुद ही नहीं मान रहे कुछ खाने को। दादाजी ओफो, नाना जी आप भी ना, नाना जी मुझे बताइए आपने सुबह से क्यों नहीं खाया कुछ? अरे एक दिन नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। अरे हमारी हमारी बच्ची सुहाना, उसकी जिंदगी दांव पर लगी है, निवाला अलग से उतरेगा क्या? और पता नहीं क्या लिखा होगा रिपोर्ट। दादा जी हम लोग सब सुहाना के लिए परेशान हैं, लेकिन आप अपने आप को इस तरह सजा मत दीजिए ना। दादी दादी आप समझाइए ना दादाजी को, अरे जो रिपोर्ट में आना है वो आएगा, उसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? नाना जी मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जल्दी से बिस्किट खा के ना दवाई ले लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नाना जी देखिए इतने टेंशन में भी आपकी गर्लफ्रेंड आपको दवाई देना नहीं भूली है? सोच इलेश,
दादाजी कितने लकी हैं ना। हाँ है? अरे इतना प्यार करने वाली मुमताज मिली है शाहजहां को। मुमताज शाहजहां हम तो अपनी जिंदगी जी चुके हैं। काश काश हम अपना नसीब ईशान और सुहाना को दे पाते। काश। सुहाना, जब तुमने ईशान को पहली बार बोल्टनगंज में देखा था तो क्या तुम्हें देखते ही प्यार हो गया था ईशान से? प्यार? मैं ईशान से पहली बार बोल्टनगंज में नहीं मिली थी, दिल्ली में मिली थी। हाँ? क्या यहाँ दिल्ली में? कैसे, कहाँ? गैराज में। मेरी कार ने ईशान के स्कूटर को ठोक दिया था। क्या तुमने ईशान का स्कूटर ठोक दिया था अपनी गाड़ी से? तभी तीर डायरेक्ट दिल पे लगा था। सुहाना, रिपोर्ट शाम को 5 बजे मिलेगी। वो क्या ना कि यहाँ पे कोई इमरजेंसी आ गई है, तो इसलिए। रजनी दीदी, वहीं पापा और ईशान ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला कि रिपोर्ट नहीं आई है? हो सकता है वो मुझे बताना नहीं चाहते हो कि रिपोर्ट आ चुकी है। ईशान ऐसा क्यों करेगा? हाँ, और सुहाना प्लीज, अब कोई नेगेटिव बात नहीं। हंड्रेड % ईशान ने मुझसे झूठ बोला है। मुझे खुद ही जाके हॉस्पिटल चेक करना होगा। मैं अभी आती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? बड़ी माँ के पास बैठने जा रही हूँ, कुछ देर उनके साथ रहना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वहीं पर कॉफी ले आती हूँ। हाँ ठीक है, चलिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।